अगर आपको जिसकॉम की इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में जानकारी हासिल करना है तो आप जिसकॉम की वेबसाइट पर जाइए, जैसा कि मैंने यहाँ पर है जिसकॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हिस्ट्री, इसको इस पर ये कर दिया। यहाँ पर आपको जिसकॉम की वेबसाइट है https://jiscom.karnataka.government.in, या फिर आप डायरेक्टली गूगल में ऑनलाइन पेमेंट ऑफ गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी मारेंगे तो ये लिंक आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको सेलेक्ट करना है गुलबर्गा जोन रूरल एरिया, अगर आपका रूरल आप रूरल एरिया में हैं। अगर आप टाउन एरिया में हैं, जो जिसकॉम के सेलेक्टेड टाउन्स हैं 21 टाउन्स, जैसे कि गुलबर्गा है या फिर बड़े बड़े टाउन हैं, यादगीर है, बेल्लारी है, टोटल 21 टाउन सेलेक्टेड टाउन हैं जहाँ पर RAPDRP की फैसिलिटी है, तो आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर रूरल गुलबर्गा जोन रूरल एरिया, क्लिक हियर, एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमर हिस्ट्री ऑप्शन, न्यू कनेक्शन ऑप्शन और ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन। अगर आपको बिल चेक करना है तो कस्टमर हिस्ट्री में जाइए। कस्टमर हिस्ट्री में आपको यहाँ पर मिलेगा अदर इन्फॉर्मेशन में कस्टमर हिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सब डिविज़न। तो आपका अगर आपका सब डिविज़न यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें है गुलबर्गा CSD1, गुलबर्गा RSD, आलन, कटगंजी, अफजलपुर, चौड़ापुर, जेवरगी। अगर आपका जो भी सब डिविज़न है आप सेलेक्ट कीजिए। सपोज़ मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ चिंचोली। यहाँ पर आपको मानना है अपना RR नंबर, जो भी है आपका RR नंबर, यहाँ पर आप RR नंबर को डालिए और शो करिए, तो आपको डिटेल्स पूरा मिल जाएगा। आपका नाम, नंबर, डिस्ट्रिक्ट, आपका टैरिफ, आपका डेट ऑफ सर्विस, आपका इंस्टॉलेशन, आपका मीटर कब बिठाया गया है, आपका लोड कितना है, और यहाँ पर आपको पूरी बिल, टोटल 12 मंथ्स की बिल की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बिल नंबर है, ये देखिए मंथ ईयर है May 21, जो May 21 में मुझे बिल दिया गया है वो जो मैंने अप्रैल में कंजम्पशन किया है, April 1 to April 30 जो भी मेरा कंजम्पशन हुआ है यूनिट्स रिकॉर्ड में है मीटर में, वो मुझे बिल मई में मिलता है। तो यहाँ पर मई में दिया गया है, ये मई में जो रीडिंग मुझे मिली है मीटर से 2417 रीडिंग दी गई है, जिसके हिसाब से मेरा किलोवाट आवर जो यूनिट है वो 139 यूनिट्स मुझे मिला है, और मेरा बिल है 996 मेरा OB है, मतलब मेरा बैलेंस है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट 3.28 रुपीस है, और मेरा डिमांड है इस मंथ का 912.57, जो इंटरेस्ट और सभी मिलाकर OB मिलाकर होता है 1918 रुपीस। जो इस महीने में मैंने कलेक्शन जो जमा करवाया है वो 1000 रुपीस, तो 1918 में से अगर 1000 रुपीज़ आप माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 918 रुपीज़। इसी तरह आप हर महीने की बिल चेक कर सकते हैं। ये प्रीवियस मेरी अप्रैल की बिल है, मार्च की बिल है, फरवरी की बिल है, तो टोटल आपको बिल देखना हो तो यहाँ पर आप डिमांड में जाइए, जो डिमांड ये महीने का आपका डिमांड है वो आपका बिल है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस मिलकर आता है वो आपका OB प्रीवियस बैलेंस और इस महीने का डिमांड मिलकर क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पर आता है, और आप जितने भी पैसे जमा करवाए हैं कलेक्शन कॉलम में वो आ जाता है। इसी तरह आप बिल देखिए, आपका ग्राफ मालूम करिए, आपका किस तरह से आपका डिमांड वर्सेस कलेक्शन का ग्राफ है। अप्रैल में मैंने बिल जमा नहीं करवाया है, मई में जमा करवाया है, जून में जमा करवाया नहीं है, जुलाई में नहीं कराया, तो मैंने अगस्त में सीधा जून और जुलाई का मिलाकर अगस्त में सीधा बिल जमा कराया है। आप देख सकते हैं यह रेड कॉलम जो है डिमांड है और ये ब्लू कॉलम जो है कलेक्शन है। तो अप्रैल में मैंने डिमांड हुआ है सिर्फ, कलेक्शन ज़ीरो है, इसका मतलब मैंने बिल जमा नहीं कराया है। यहाँ पर मैंने देखिए जून में रेड कॉलम है, जुलाई में रेड कॉलम है और अगस्त में रेड कॉलम है, और ये तीनों का बिल मैंने मिलाकर सीधा यहाँ पर अगस्त में भरा है, और यहाँ पर भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बिल मैंने यहाँ पर जनवरी में भरा है। इसी तरह आप एनालाइज़ कर सकते हैं आपके बिल को, अगर जो भी अगर